क्लास इंटरमीडिएट। देखिए बेटे, मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक लेकर चलूंगा और कोर्स भी साथ देता जाऊंगा, तो मैंने अपने वचन पर उद्धरण, आप इसका परिपालन आप लोग कितना करते हो ये आप पर है। मेरा समझाना और कहना फर्ज था, मैंने आपको बोला था, कई बार बोला कि कॉलेज से आकर के रजिस्टर ले लीजिए और जो कमी हो बुक ले लीजिए, अपना सब काम करते रहिए और इधर मैं पढ़ता रहूँगा। तो काप के दो लेसन आपके कल से खत्म हो गए थे, पहला पवन सूति का, दूसरा कैकेयी का अंता, और उसी में एक चैप्टर था इनका लक्ष्मण का और उनकी पत्नी का संवाद जो था, तो वो गीत जो था वो समाप्त हो गए। जब दो लेसन समाप्त हो गए तो फिर मैंने संस्कृत चालू कर दी, जब संस्कृत लेसन खत्म हो जाएगा फिर काम उठा लेंगे, यानी अल्टरनेट संस्कृत हिंदी, संस्कृत काव्य, संस्कृत काव्य ये चलता रहेगा। तो धीरे धीरे दोनों किताबें, ये पांचवा लेसन है, चार पढ़ा चुके हैं ध्यान रखना, और इसके केवल ज्यादा नहीं है, भले आपका वीडियो कम समय का बने तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। कहने का तात्पर्य हमारा जो ये लिखे श्लोक ये आपको आने चाहिए, हमारा तात्पर्य सदैव यही रहा है, कभी भी देखना, क्लास में भी देखना, मैंने भी काम नहीं किया अपना कि हम ये नहीं कोर्स निपटा दें और ये बता दें हमारा कोर्स खत्म, नहीं, हम जितना पढ़ाएं उतना विद्यार्थी को आया कि नहीं आया मैं इस पर रहता हूं। आना जरूरी है, कोर्स खत्म करना जरूरी नहीं है, विद्यार्थी को आना जरूरी है, कैसे आए ये अध्यापक के ऊपर है, विद्यार्थी का कोई दोष इसमें नहीं है कि अगर ये बहाना करके टाल दें कि तुम पढ़ते नहीं हो, लापरवाह है ये, अरे लापरवाही को दूर करने के लिए, विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए ही तो अध्यापक होता है। और हम ये कह के अपना हाथ साफ कर लें, अरे वो बहुत लापरवाह है, वो काम है, अरे उसको लाइन में लाना, उसको पढ़ाना, उसको अच्छा बनाना, उसके दिमाग में भरना, समझा के जैसे भी बने, ये टीचर कर्तव्य होता है। तो मैं बेटा यही प्रयास करता हूँ कि हम जितना चाहे थोड़ा पढ़ाएं लेकिन वो आना चाहिए, ये नहीं पूरा लेसन पढ़ा दिया आया है, ये कभी प्रश्न नहीं रहे, मेरा प्रयास ये है। तो इस पर आप अगर सहयोग करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो बेटा सुभाषित रत्नान ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इससे जरूर आता है, एक ही लेसन है आपका इस श्लोक का, बाकी सब गद्य के हैं, तो इसका श्लोक आएगा, दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, ध्यान समझना। पहला शब्द भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मा तक स्पाषकम। भाषा भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य या अलौकिक, गीर्वाण भारती माने देववाणी यानी संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी, तस्वे उससे भी मधुर वाणी मीठा का तस्मा सुभाषित माने सुंदर वाणी या सुभाषित वाणी। अब ध्यान देना, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य, या भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है, ठीक, उससे भी अधिक उसका मधुर काव्य और उससे भी अधिक उसकी सुभाषित वाणी या सुंदर वाणी। देखिए प्रयास हम ये करते हैं, ध्यान देना कि हम मीनिंग से बाहर से कम लाते हैं, उसी की संस्कृत के हिंदी बनाने का प्रयास करते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। फिर एक बार देखिए, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, उससे भी अधिक उसका मधुर का और उससे भी अधिक उसकी सुभाषित वाणी या सुंदर वाणी। दूसरा श्लोक सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम,
ये आपके जीवन में उतरना अपने आप में भी अभी सुनता है। विद्यार्थी के लक्षण क्या है, क्या है, सुनिए ध्यान से। दो काम कर रहा है, एक को अर्थ लिखा, दूसरा अपने जीवन विधान कर दिए। अच्छे विद्यार्थी का ये कर्तव्य देखो बेटा, सुखार्थिना, सुख चाहने वाले को, तू तो विद्या, विद्या कहां, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहां, दोनों बातें हैं। जो विद्यार्थी सुख का अनुभव कर रहा होगा, आराम से देह में सुख उठता है, बढ़िया खाना खाता है, ठंडे में सोता है, अच्छे कपड़े पहनकर घूमता है, पार्टी में जाता है, माता पिता झूठ बोलता है, लेकिन पढ़ने में बहुत बेकार, काम नहीं करता, बुक नहीं उठाता, पढ़ाई नहीं करता, तो वो विद्यार्थी नहीं सकता। विद्यार्थी के जीवन में सुख है ही नहीं, ये तप है, तपस्या है। देखो, सुख चाहने वाले को विद्या का और विद्या चाहने वाले को सुख का, पहली बात। दूसरी, सुखार्थी वेद विद्या, विद्यार्थी वेद सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। आगे, जल बिंदु निपाते क्रमशा पूरेते घटा सा हेतु सर्वज्ञान धर्म सचा दर्शा। देखिए, क्रम एक होता है नियम, जिसने क्रम तोड़ा वो जीवन में उन्नत नहीं कर पाता। विद्यार्थी क्रम तोड़ देता है, पढ़ाई का कथा संदेह, आज होली है, आज दीपावली, आज छुट्टियां नहीं पढ़ेंगे, अध्ययन उठेंगे, यही क्रम टूट गया। क्रम नहीं तोड़ना चाहिए। हमने आपको कछुए की और खरगोश कहानी बताई थी, दौड़ भी दोनों में, खरगोश बड़ी तेज चला गया आगे और सो गया, सोचा भी तो बहुत दूर है कछुआ, लेकिन कछुए ने क्रम नहीं तोड़ा, निरंतर चलता रहा जीत उसी की भी। विद्यार्थी को कभी संदेह में नहीं सोचना चाहिए, अपना टाइम टेबल के आधार पर प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, जैसे जल बिंदु निपाते, जल की एक एक बूंद गिरते रहने से क्रमशः, जल की एक एक बूंद लगातार गिरते रहने से घड़ा पूरी तरह भर जाता है। जैसे लगातार बूंद गिर रही है तो घड़ा इतना भर जाएगा। शायद वही उपाय है सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का। फिर एक बात देखो, जल की एक एक बूंद या एक बूंद लगातार गिरते रहने से घड़ा पूरी तरह भर जाता है, वही उपाय सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का। ओके, और इसको चेक कर लेना, बढ़िया तैयार कर लेना।